नमस्कार दोस्तों दोस्तों इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ दुबई की एसीसी कंपनी के बारे में कि ये कंपनी दुबई में कैसा है, काम क्या कराता है, इसका फैसिलिटी मैनेजमेंट कैसा है, क्योंकि बहुत सारे भाई लोग हैं जो जाने के टाइम वो लोग के मन में बहुत सारा डाउट रहता है कि कंपनी कैसा होगा, कंपनी में काम किस तरह से होता होगा, कंपनी टाइम पर सैलरी देती है कि नहीं देती है, कंपनी कैसा है, कंपनी का रूम कैसा है, ट्रांसपोर्ट देता है कि नहीं देता है। तो दोस्तों इस कंपनी के बारे में पूरा डिटेल में इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं, तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए ताकि आप लोगों को पूरी जानकारी मिल सके। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा कर रखें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक पहले पहुँच सके, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लेके आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं दुबई की एसीसी कंपनी के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुबई की एसीसी कंपनी के बारे में। इसका पूरा नाम है दोस्तों आरबीएन कंस्ट्रक्शन कंपनी। दोस्तों ये एसीसी कंपनी है जो ए लेबलान की कंपनी है। दोस्तों इस कंपनी की स्थापना सन 1967 में हुआ था, यानी दोस्तों ये काफ़ी पुराना कंपनी है और अभी तक ये कंपनी दुबई में चल रहा है। दोस्तों ये एसीसी कंपनी जो है एक इंटरनेशनल कंपनी है। इसका काम दोस्तों सऊदी में भी चलता है, कतर में भी चलता है, लेबलान में भी चलता है, जॉर्डन में भी चलता है। दोस्तों आप लोगों को बता दें कि दुबई की ये एसीसी कंपनी दोस्तों ये छोटी कंपनी नहीं है, बहुत ही बड़ी कंपनी है और बहुत ही पुरानी कंपनी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये कंपनी काम क्या कराती है, तो आप लोगों को बता दें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का ज़्यादातर ये कंपनी काम कराती है। दोस्तों इस कंपनी में ज़्यादातर ट्रेड आप लोगों को बता दें मेसन कारपेंटर, स्टील फिक्सर, शटरिंग कारपेंटर, इन सब ट्रेड वाले जो बंदे हैं इन सब का इसमें वैकेंसी ज़्यादा रहता है। यानी कंस्ट्रक्शन फील्ड में जो भी वर्कर जिनका भी ट्रेड है वो सारे इस कंपनी में वैकेंसी रहता है। इसमें मेसन, स्टील फिटर, शटरिंग कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर इन सब भाइयों का जो सैलरी की बात किया जाए तो 800 से 1200 का अंदर दोस्तों इस कंपनी में सैलरी लगता है। दुबई में ये बेसिक सैलरी 8 घंटे का लगता है। और वहीं हेल्पर की बात किया जाए दोस्तों तो हेल्पर की सैलरी दोस्तों 800 से 1000 का अंदर रहता है। और इस कंपनी में ओवर टाइम की बात किया जाए दोस्तों तो 2 से 4 घंटा मैक्सिमम ओवर टाइम इस कंपनी में मिल जाता है। इस कंपनी में दोस्तों फ्री फूड नहीं है, खाना खुद आपको बना के खाना पड़ेगा, किचन फैसिलिटी सारा कुछ कंपनी प्रोवाइड करेगी और उसके साथ दोस्तों आपको 300 दरहम देगी खाना बना के खाने के लिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसमें सैलरी पेंडिंग में तो नहीं रहता है दोस्तों। दोस्तों इस कंपनी में 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के अंदर आपके अकाउंट में सैलरी आ जाएगा, सैलरी को लेकर दोस्तों कोई इशू नहीं रहता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसमें बेनिफिट क्या क्या मिलता है, तो दोस्तों आप लोग को बता दें इसमें ट्रांसपोर्ट, अकोमोडेशन, उसके बाद से मेडिकल इंश्योरेंस, उसके बाद से लीव सैलरी, ग्रेजुएटी बोनस और दुबई लेबर लॉ के तहत जो भी बेनिफिट होता है ये कंपनी प्रोवाइड कराती है। इस कंपनी में अगर कोई नया बंदा दोस्तों आता है तो इसमें आप लोगों को बता दें कि 2 साल का एग्रीमेंट होता है, 2 साल के बाद से आपको 2 महीने या 3 महीने की छुट्टी मिल जाएगी, उसके बाद से 2 महीने का आपको लीव सैलरी मिलेगा, उसके बाद से अप डाउन का 2 टिकट मिलेगा। अगर दोस्तों आप लोग 2 साल से पहले जा रहे हैं, इमरजेंसी कोई काम पड़ गया तो दोस्तों कंपनी में आपको छुट्टी मिल जाएगा, कंपनी छुट्टी दे देती है, लेकिन 2 साल से पहले जाएंगे तो टिकट दोस्तों आपको खुद अपना लेना पड़ेगा और अपने टिकट से जाना पड़ेगा। दोस्तों दुबई की एसीसी कंपनी के बारे में जितनी जानकारी मेरे को मिली मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर कोई किसी भाई के पास इससे भी ज़्यादा अच्छी जानकारी है तो वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताएं, अपना राय जरूर दें ताकि और भी भाई लोगों को हेल्प हो सके। बाकी दोस्तों अगर आपको इस कंपनी में जाना है तो डिसीजन आपका है, मैंने अपने वीडियो के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन दिया है, जाने और ना जाने का डिसीजन आपको लेना है। तो दोस्तों आप लोग भी अच्छे से पता कर लें, किसी एजेंट के चक्कर में ना पड़े, कोई भाई रिटर्नर हो उनसे पूछताछ करें, बिना पूछे दोस्तों आप लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। तो किसी भी कंपनी के बारे में पूरा अच्छी तरीके से जानकारी कर लें, फिर उसके बाद से इंटरव्यू दें, सलेक्शन कराएँ, फिर जाएँ, तो आप लोग नहीं फंसेंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों फिर से नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।